परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं, सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हम बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास, जो आसानी से किए जा सकते हैं, सरल आसन, उन आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों का अभ्यास करने से पहले कुछ एक्सरसाइज, वार्म अप, शरीर को वार्म करने के लिए कुछ प्रयोग 2 मिनट में हम कर लेते हैं। पहले दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए पहले घुटनों के लिए घुटनों की क्रिया, दोनों घुटने एक साथ, इन क्रियाओं से हमारे पैरों की सारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वहां जमा हुआ टॉक्सिन निकलने लगता है और शरीर में गर्मी पैदा होती है। घुटनों के बाद नेक्स्ट कमर के लिए, दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों पे रखिए, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, हाथों को श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे तक जाइए, श्वास भरते हुए आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, इस तरह आगे पीछे पूरा। कोशिश करना है आपके पैरों के अंगूठे जो है उससे आगे आपके हाथ के अंगुलियां निकल जाए, इस तरह से आगे पीछे होते हुए। कमर के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। अब कमर के लिए दोनों पैरों को फैलाते हुए चक्की चलाने की क्रिया, पैरों को फैला लीजिए, दोनों पैरों को फैलाते हुए अंगूठों को स्पर्श करते हुए इस तरह गोल गोल हाथों को घुमाते हुए चक्की चलाना है। अब उल्टा, चक्की चालन कमर और पेट के लिए। नेक्स्ट फेफड़ों के लिए, दोनों पैरों को इस तरह से फैलाए रखिए मुट्ठियां बंद करते हुए, नौका चालन, होश के साथ श्वास छोड़ते हुए आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालते हुए, मुट्ठियों को उल्टा घुमाते हुए, नौका चालन कमर के लिए, पेट के लिए तो है ही खास, फेफड़ों के लिए और कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है नौका चलाने की क्रिया।
नेक्स्ट हम करेंगे अब कंधों के लिए। सीधे बैठ जाइए, दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पर रखिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, घुटनों कंधों को आगे से पीछे गोल घुमाना है, पीछे इस तरह से गोल राउंड। पूरा राउंड लगाइए, अब उल्टा घुमाइए पीछे से आगे, दो मिनट में हमें पूरे शरीर की वार्म अप कर लेनी है, पैरों से लेके गर्दन तक। इस तरह अंगूठे और उंगलियों को मिलाते हुए कंधों पर रखिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नेक्स्ट गोल घुमाना, आगे से पीछे लेते हुए और फिर उल्टा पीछे से आगे। कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। एक और प्रयोग आप कर सकते हो, इस तरह से कलाइयों को पकड़ना है, दोनों हाथों की कलाइयों को इस तरह से पकड़ लीजिए, कस के पकड़िए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए, मेरुदंड सीधा गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर पूरा ऊपर खिंचाव दीजिए, पूरा तनाव दीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब इस क्रिया को चार की गिनती के साथ भी कर सकते हैं, एक में श्वास भरते हुए ऊपर पूरा ऊपर प्रेशर, दो में बाईं और नीचे खींचिए, खींचिए पूरी ताकत लगाते हुए, तीन में वापस ऊपर, चार में राइट साइड नीचे खींचिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। रिलैक्स। कंधों के लिए गर्दन के लिए प्रयोग बहुत ही बढ़िया। हम आजकल ऑफिस में दिन भर कुर्सी पे बैठने का काम हमारा आज भाइयों क्यों क्या और बहनों क्या, बहनें भी आजकल बहुत जॉब ओरिएंटेड बहुत बहनें हैं, तो उनके ऑफिस में बैठे बैठे कंधे जकड़ जाते हैं, गर्दन में दर्द आ जाता है, तो ऑफिस में कुर्सी पे बैठे बैठे इस क्रिया को अगर आप कर लेते हो तो आपको बिल्कुल आराम मिलता है, कंधे गर्दन बिल्कुल आपको रिलैक्स हो जाती है। तो कुछ क्रिया अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में की, इन क्रियाओं को हम अलग जिस दिन क्रिया का प्रयोग करेंगे उस दिन ज्यादा टाइम लगाएंगे, और भी बहुत सारी क्रिया है, हमने सारी क्रिया नहीं की, वार्म अप के लिए थोड़ी सी क्रिया हम ये आपको बताएं। नेक्स्ट अब आसन का, तो आसन पहले बैठकर सबसे पहले हम करेंगे सुखासन, पालथी मार के बैठे हैं इस तरह से, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहे, सुखासन में बैठते हो आप तो मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। ध्यान के लिए जो चार आसन बताए गए उसमें से एक आसन है सुखासन, आरामदायक आसन है, सरल है, सभी कर सकते हैं। श्वास नॉर्मल, सुखासन के बाद दूसरा आसन आता है वज्रासन, जो ध्यानासन चार आसन बताए गए उसमें से वज्रासन भी एक आसन है, तो वज्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, अब लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस तरह से, फिर राइट पैर को मोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर ले आइए, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़िया खुली हुई, अंगूठे मिले हुए रहेंगे, एड़िया खुली हुई रहेगी, एड़ियों के ऊपर बैठ जाना है, गर्दन गर्दन सीधा रखिए, श्वास नॉर्मल, मुद्रा
ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। वज्रासन बहुत ही फायदेमंद आसन, पाचन को ठीक करने के लिए, हमारे खाना जो हम खाते हैं उसे पचाने के लिए सबसे बढ़िया आसन बताया गया वज्रासन। खाना खाने के तुरंत बाद भी इस आसन को करते हैं, एकमात्र आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। अभी हम बैठे हैं, ये है हमारा वज्रासन, एड़िया खुली हुई है इसमें, पीछे से आप देखिए ये एड़िया खुली हुई रहती है, इसको कहते हैं वज्रासन। अब एड़िया मिलाते हुए पंजों के बल इस तरह से आ जाते हैं तो ये आसन हो जाता है हमारा बंदनासन। बंदनासन में एड़िया मिली हुई रहती है पंजों के बल आते हुए, बंदनासन। इसमें भी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखनी चाहिए, बंदनासन। वापस वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में बैठे बैठे कुछ और आसन किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शशांकासन। शशांकासन, शशांकासन इस आसन में बैठकर कर सकते हैं। शशांकासन तीन चार प्रकार से किया जाता है, हम प्रत्येक प्रकार आपको करके बताएंगे, आप देखेंगे और सीखेंगे और साथ साथ में करेंगे भी। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड से, दोनों बाजू से ऊपर तक ले जाइए, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, हाथ बिल्कुल सीधे, कान से सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ललाट को जमीन तक, फर्श तक ले आइए, रुकना है थोड़ी देर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस दोनों साइड से नीचे जाए। नीचे आप ज्यादा देर रुकते हो तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल श्वास। आसन और क्रिया में यही फर्क है, आसन में हम आसन लगाने के बाद थोड़ी देर होल्ड करते हैं, जो भी आसन हमारा लगाना है उस आसन लगाने के बाद रुकना होता है, रुकते हैं तो उसको हम आसन कहते हैं। और क्रिया जब करते हैं तो उसमें रुकना नहीं होता है, अप डाउन करते हुए क्रिया करते हैं श्वास प्रश्वास के साथ। तो आज हम आसनों का प्रयास अभ्यास कर रहे हैं, तो आज हम हर आसन में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जितनी देर भी नीचे रुकते हो श्वास आपका नॉर्मल रहेगा। इसी क्रिया को अभी हमने हाथों को साइड से ले जाते हुए किया, अब दोनों हथेलियों को सामने से ऊपर ले जाके करेंगे। एक, दोनों हथेलियां सामने, हाथ बिल्कुल सीधे, कान से सटे हुए। दो, तीन, मैं अभी नीचे 5 सेकंड 7 सेकंड ही रुक रहा हूं, उससे ज्यादा भी आप रुक सकते हो। तो अभी हमने दूसरे प्रकार से किया, पहले में हमारी हथेलियां मिली हुई थी, दूसरे में हथेलियां सामने की ओर थी, तीसरे में दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए मुट्ठियों को बंद कर लीजिए इस तरह से, और हाथों को पीछे ले जाइए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा, दोनों हाथ यहीं पर रहेंगे, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, ललाट को नीचे तक बिल्कुल लाते हुए
रुकिए थोड़ी देर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर, दोनों हाथ सामने। अब चौथा प्रकार इसमें और हो सकता है, उसमें घुटने में गैप रहेगा, घुटनों में फासला रहेगा। अभी हमने तीन प्रकार का जो किया उसमें हमने ललाट को फर्स्ट पे लगाया था, इस बार ठुड्डी को फर्स्ट पे लगाना है। ठुड्डी को फर्स्ट में लगाओगे तो आपको थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों में खिंचाव आएगा और पेट के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, आपके पेंक्रियाज में भी प्रेशर पड़ता है। तो पेट के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। एक, दोनों घुटनों में गैप, इस बार ठुड्डी को नीचे टिकाना है। नीचे आएंगे, दोनों हाथ सामने इस तरह रखते हुए, वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां सामने, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पैरों में गैप किया तो कुछ फर्क महसूस हुआ? पेट पे प्रेशर, थायराइड पे खिंचाव, पैराथायराइड में खिंचाव आ रहा था, ठुड्डी को अपन ने नीचे फर्स्ट पे टिकाने का प्रयास किया था। तो ये हमारा शशांक आसन तीन चार प्रकार से हमने किए। वज्रासन में बैठकर, वज्रासन में बैठे बैठे एक आसन और किया जा सकता है जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, इस तरह से सीधे बैठना है, गर्दन सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अब दोनों कोहनियों के सहारे पहले पीछे पीछे की ओर झुकिए, इस तरह से पोजिशन, गर्दन को मोड़ते हुए सिर को जमीन पर टिका देना है, दोनों हथेलियों को उठाते हुए जंघाओं के ऊपर रख लीजिए। वापस कोहनियों के सहारे गर्दन सीधा करते हुए, कोहनियों को बुलाइए पहले, फिर सीधा बैठने की प्रोपोजिशन में आ जाता है। रिलैक्स। सुप्त वज्रासन भी बहुत बढ़िया प्रयोग गर्दन के लिए, फेफड़ों के लिए। तो अभी हमने वज्रासन में बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास बताया, जो आसन एक वज्रासन जो थोड़ा सा कठिन है, बाकी आसन सब बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, तो इनका अभ्यास आपको नियमित करना है। रिलैक्स, श्वास नॉर्मल। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, एक पैर चढ़ा लीजिए इस तरह से ऊपर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, मुद्रा। ये मुद्रा लगाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी मुद्रा लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी मुद्रा। ध्यान के लिए तीसरा आसन जो बताया गया, अर्ध पद्मासन। श्वास नॉर्मल, आंखें बंद, गर्दन पैरदंड बिल्कुल सीधे। अभी हमने एक पैर चढ़ाया है तो ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन। अब इसी में आप दूसरे पैर को चढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा पद्मासन। ध्यान के लिए सबसे उत्तम आसन बताया गया पद्मासन। मुद्रा, वीतराग मुद्रा लगा लें, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल।
सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, ये चार आसन जो ध्यान के लिए बताए गए, हमने चारों आसनों का अभ्यास अभी किया। एक आसन आज हम नया करने जा रहे हैं, आसन का नाम है उत्कुटासन। भगवान महावीर उत्कुटासन में ध्यान किया करते थे और गोदुहासन में ध्यान किया करते थे। गोदुहासन में ध्यान करते समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गोदुहासन भी हम करेंगे, उससे पहले उत्कुटासन करेंगे। उत्कुटासन कैसे करना है, इस तरह से बैठना है, एड़ियों में 4 इंच का फासला रहेगा, पंजों में 6 इंच, पंजों में थोड़ा फासला ज्यादा रखेंगे, अंगूठा और तर्जनी मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। इस आसन में आपको लंबे समय तक बैठ सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ध्यान भी इस आसन में किया जा सकता है। मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, यह मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगी हुई, और इसमें आप हथेलियां ऊपर या इस तरह से, उत्कुटासन है इस आसन का नाम। आसानी से बैठा जा सकता है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़िया आसन है। पहले हम लोग टॉयलेट में इस आसन में बैठा करते थे, और आजकल सब वेस्टर्न टॉयलेट हो गया है, तो इस तरह से बैठना हमारा छूट गया है। तो ये आसन, इस आसन का अभ्यास करोगे तो इसमें आपको फायदा तो कब्ज के लिए फायदेमंद है, मल त्याग करने में आसानी होती है इस आसन में बैठने से, और ये ध्यानासन भी बताया गया, महावीर भगवान इसी आसन में ध्यान किया करते थे, लेकिन आज हम लोग आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में महावीर भगवान ने इसी आसन में ध्यान किया था। तो ये आसन हमने आज आप लोगों को पहली बार बताया, आप लोगों को इसका भी अभ्यास आपको करना है। गोदुहासन, गोदुहासन पंजों के बल, जैसे दूध निकालते समय ग्वाले बैठते हैं, उस आसन में बैठना है इस तरह से, दोनों घुटनों में थोड़ा गैप रहेगा ऐसे, और दोनों मुट्ठियों को इस तरह से आप घुटनों के ऊपर टिका देंगे, पंजों के बल बैठना है, एड़िया उठी हुई रहेगी, मेरुदंड गर्दन सीधा, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल। इस आसन में आपको धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप आसानी से कर पाओ उतना अभ्यास करें। मैंने अभी बताया आपको भगवान महावीर को इसी आसन में ध्यान करते हुए केवल ज्ञान मिला था, गोदुहिकासन या गोदुहासन। रिलैक्स, नेक्स्ट हम करेंगे, अब दोनों पैर सामने फैलाइए, पहले जानू शीरासन। जानू शीरासन पेट और कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। अब पहले बाएं पैर को मोड़ते सीधा रखेंगे, दाहिने पैर को मोड़ते हुए पैर का तलवा जो है ये पूरा जंगा से सटा लेंगे, जंगा से सटा हुआ रहेगा, दोनों हथेलियों को इस तरह से मिलाते हुए घुटने के ऊपर रखिए, बाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, नजरें ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, कोशिश करना है पैर के अंगूठे को पकड़ा जाए, जबरदस्ती नहीं करें, जितना हो सके उतना
आपका घुटना जो है ये उठना नहीं चाहिए, ये घुटना नहीं उठना चाहिए, पैर को सीधा रखना है, जितना आसानी से झुक सकते हैं झुकना है। जिनको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनसे अगर नहीं होता हो तो जबरदस्ती नहीं करें, आसानी से हो तो करें नहीं तो आराम से। एक बार और, दो, तीन, चार। जानू शीर्षासन, आसन का नाम। अब पैर बदलते हुए इस बार आपका दाहिना पैर सामने रहेगा, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए तलवा जंघा से सटा लीजिए। ए, दो, तीन, चार। ए, दो, तीन, चार। हमें और भी आसन करने हैं इसलिए मैं ज्यादा देर रुक नहीं रहा हूं। आप इस आसन को करते समय दो की पोजिशन में होल्ड करना है, आपको रुकना है थोड़ी देर, और जितनी देर आप रुकेंगे आपका श्वास नॉर्मल रहेगा। अभी हमने एक पैर फैलाते हुए किया, आसन का नाम जानू शीर्षासन। अब दोनों पैर सामने फैलाते हुए करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन, दोनों पैर सामने फैले हुए, पंजे मिले हुए, एड़िया मिली हुई, पैर बिल्कुल सीधे। आप जब नीचे झुकेंगे तो आप खिंचाव महसूस होगा पैरों में, पिंडलियों में, कमर में, पीठ में खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को अनुभव करना करते हुए आसन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, पैरों के अंगूठों को पकड़ना और कोशिश करना नाक आपका घुटने पर लग जाए। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप अभ्यास करोगे तो आसानी से होने लगेगा, ज्यादा कठिन नहीं है आसन, आपको अभ्यास नियमित करना है। जिनका अंगूठा आसानी से पकड़ में आ जाए तो दोनों आप हथेलियों से इस तरह पैरों के तलवों के बीच में से पकड़ते हुए भी कर सकते हो आसानी से। अगर पकड़ में आ रहे हो तो नीचे झुकना है और दोनों घुटनों के बीच नाक को लगाने का प्रयास करना है। एक बार करके देखें, एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स, रिलैक्स। जानू शीर्षासन और पश्चिमोत्तासन अभी हमने किया, नेक्स्ट हम करेंगे अब गोमुखासन। गोमुखासन, दोनों पैर सामने फैले हुए, पहले बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के नीचे से लेते हुए नितंब के पास ले लें, उसके बाद राइट पैर को मोड़ते हुए, सॉरी लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए, पहले हमने राइट पैर लिया उसके बाद लेफ्ट लिया है। आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है जरूरी पहले लेफ्ट या राइट लेना है, आप किसी भी पैर से कर सकते हैं। अब घुटने के ऊपर घुटना, ये दोनों घुटने हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए, गोमुख जो गाय का मुंह होता है वैसी आकृति बन गई है, इसीलिए इस आसन का नाम गोमुखासन रखा गया है। अब जो घुटना ऊपर है, मेरा लेफ्ट ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा, राइट हैंड नीचे से। आपका अगर राइट घुटना ऊपर है तो आप राइट हैंड ऊपर से लेंगे, इस तरह से पीछे ले जाते हुए, इस तरह पीछे अंगुलियों को फंसाते हुए पकड़ना है। गर्दन सीधी, नजरें सामने, कोशिश करें आपकी कोहनी बिल्कुल ऊपर छत की ओर आ जाए सीधी। अगर आपके पकड़ में नहीं आ रही है अंगुलियां तो आप
टॉवेल या रूमाल इस तरह से लेके कर सकते हो, इस तरह से टॉवेल लिया आपने और इस टॉवेल को पीछे इस तरह से लटका देना है और राइट हैंड से पकड़ लेना है पीछे, आसानी से पकड़ में आता है। जिनका इस तरह से हाथ पकड़ में नहीं आ रहा है, आप टॉवेल या रूमाल का भी उपयोग कर सकते हो और धीरे धीरे फिर पीछे पकड़ने के बाद इस तरह से अंगुलियों को ऊपर लाते हुए हाथों को नजदीक लाने का प्रयास करना। पहले आप यहां से अगर पकड़ रहे हो, फिर धीरे धीरे इस तरह से आप आसानी से नजदीक आ सकते हो, इस तरह से आपके हाथ नजदीक आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब वापस पैर सीधे कर ले। इस बार दूसरे पैर से करेंगे। इस बार राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, पीछे अंगुलियों को फंसाते हुए पकड़िए। कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कोहनी बिल्कुल ऊपर छत की ओर, नजरें सामने। इस आसन में भी आप धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। वापस पैरों को सीधा करते हुए सामने फैला दे, रिलैक्स। अभी हमने गोमुखासन का अभ्यास किया, नेक्स्ट करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन बहुत बढ़िया आसन है, जिनसे हो जरूर करें अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। राइट पैर को मोड़ते हुए इस तरह से लेफ्ट पैर के नीचे से एड़ी को एकदम के पास रखिए। अब लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए घुटने को उठाते हुए पूरा तलवा जो है ये पूरा जमीन पे सटा हुआ, इससे आपको घुटना सीधा करना है और पूरा तलवा आपका फर्श से चिपका हुआ रहना चाहिए। अब मेरा घुटना है लेफ्ट, तो मैं राइट हैंड को घुटने के अंदर से लेते हुए इस तरह से अंगूठा पकड़ना है। हाँ, कोशिश कीजिए अंगूठा पकड़ में आ जाए। अब लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ले जाते हुए पूरा पीछे घूम जाइए, नजरें पीछे की ओर। आसन जिनका लग रहा है उनको कैसा लग रहा है? पेट आपका एक साइड जा रहा है, चेस्ट दूसरी ओर जा रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है। अब इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। इस बार लेफ्ट पैर को मोड़िए, राइट पैर को मोड़ते हुए तलवे को बिल्कुल जमीन पे सटाइए। यों नहीं पकड़ना है, घुटने के अंदर से हाथ को लेना है और पकड़ना है और राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए पीछे घूम जाना है। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, पेट के लिए, फेफड़ों के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स। बैठकर किए जाओ लाल, कुछ आसान आसन हमने अभी किए। अब घुटनों के बल दो आसन हम करेंगे। घुटनों के बल इस तरह से घुटनों के बल आप वज्रासन, बंदनासन में आ जाइए। पहले बंदनासन, दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए घुटनों के बल
दिखाई दे रहा है इस तरह से बिल्कुल सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल पीछे झुकना है, जितना झुक सकते हैं झुकिए, रुकिए यहां पर। श्वास भरते हुए वापस सीधे, बहुत ही बढ़िया आसन है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन नाम है इसका। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन, पीछे झुकने वाला आसन, सभी कर सकते हैं। किसी को इस आसन को करने के लिए मना नहीं है, सभी इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने हाथों को इस तरह से रखते हुए किया, इसको आप कमर पे हाथ रखते हुए कर सकते हैं। कमर पर रखिए दोनों हाथ, अंगूठे पीछे की ओर, अंगूठे आगे की ओर, पूरा श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे झुकी, श्वास भरते हुए वापस। पहले हमने बताया हाथों को ऐसे रखना, दूसरी बार इस तरह कमर पर रखना। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से पीछे टिकाते हुए भी कर सकते हो। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे झुकिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। रिलैक्स, वज्रासन में आ जाए। अभी हमने अर्धचंद्रासन तीन प्रकार से आपको बताया, आप आसानी से जिस प्रकार से कर सकते हो उस प्रकार अभ्यास करें। नेक्स्ट हम करेंगे अब उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी हमारे फेफड़ों के लिए, गर्दन के लिए, पेट और कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है। उष्ट्रासन का अभ्यास हमें करना है। बंदनासन में आइए। अब घुटनों के बल आ जाइए। पहले राइट हैंड को आगे से इस तरह से पीछे ले जाते हुए एडी पे टिकाइए, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए एडी पे टिका दीजिए। अब पेट को बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे की ओर नीचे झुका देना है। वापस एक एक करके दोनों हाथों को वापस लाना है इस तरह से। आसन का नाम उष्ट्रासन। अभी आपको फेफड़ों की मजबूती के लिए कुछ प्रयोग मैंने बताए हैं, फेफड़ों की क्रिया। इस आसन से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं।